टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कह रहा है, ए एक कार्य को, एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में। बी कितने दिनों में, 6 दिनों में। टोटल कार्य कितना जाएगा, 24, 6 4 6 24 और 6 6 24 कितना आता है, 4। टोटल कार्य पूछा है तो जोड़ दीजिए और इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड। टोटल कितना हो जाएगा, 10। इसको काट दीजिए, 12/5। इसे काटेंगे 5 से ही, 2/5। आगे ये फर्स्ट टाइप का आंसर, हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में हम आंसर ला सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ मिलकर, ए तथा बी एक साथ मिलकर ए प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी और सी 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी और सी कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी 12 दिनों में पूरा कर ले सकते हैं। टोटल कार्य कितना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 60। कार्य करने की क्षमता आ जाएगी इसकी कितनी, 6, और इसका 10 और इसकी 5। टोटल पूछ रखा है तो टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी ये डबल बार है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ देंगे 16, 16 5 21, और इसका इस पर 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। अब कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 21/2, तो कार्य कितने 16 दिनों में, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल का डिवाइड कर दीजिए 21/2, 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 60/21, और कितना हो जाएगा, 120/21, इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 आता है, 21 पंचे 105, तो इसको 21 पंचे 5 15 बटे, बचा कितना, 15, 15/21, इसको काट दीजिए, 5 3 15, 7 3 21, कितना आता है, 5, ये आ जाएगा आंसर, 5 से ही 5/7। क्वेश्चन का थर्ड टाइप, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ए प्लस बी कितने दिनों में, 6 दिनों में, बी अकेला 8 दिनों में। टोटल कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, सॉरी कार्य करने की क्षमता, टोटल कार्य कितना है उन लोगों का, टोटल कार्य कितना है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 24, 6 6 को 24, 4, 8 3 24, और पूछा कितना ए का, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर देंगे तो एक आएगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इसे 1 से डिवाइड कर देंगे तो ए का कार्य आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का कार्य 24 दिनों में, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 24 दिनों में, 24 दिनों में वो कार्य को पूरा कर लेगा। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और वो इतने दिनों में कर सकता है, ए बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो काम बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सके, ए क्वेश्चन दिया है, तो ए 12 दिनों में, बी 60% अधिक कुशल है, तो 12 × 100/160, 120/60, इसको हम काट सकते हैं, 4 6 16 और 3 6 12, तो कितना जाएगा, 4/2, और फिर भी इसको काट सकते हैं, 15/2, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 7 सही 7 2 14, 7 सही 1/2, क्या जाएगा आंसर।